सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस तरह का फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए ये वाला मेरा फोटो है, तो इस फोटो को सेंड करेंगे स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करना आप लोग भी इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, उसके बाद ट्यून से कम सब पर क्लिक करना है, ट्यून इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद ब्राइटनेस को आप लोग अपने फोटो के अनुसार एडजस्ट करना है, कंट्रास्ट को भी करना है। उसके बाद सेचुरेशन को भी 18 रख लेते हैं। उसके बाद फिर इसी प्रकार अपने फोटो को अनुसार आप लोग हाईलाइट को भी इंक्रेज कर देना है, उसके बाद शेडो को भी इंक्रेज कर देना। उसके बाद यहाँ राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देखिए। उसके बाद यहाँ डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार अपने फोटो के अनुसार इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद शार्पेनियम को भी इंक्रेज कर देना हल्का। उसके बाद फिर टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 0.3 रखना है और अपने फेस पर इस प्रकार इरेज कर देना है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद आप लोग यहाँ से को राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करना है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। अभी इस फोटो को सेंड करेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद आप लोग भी से इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से कलर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। सो गाइस, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। अब हम इस दोनों को इनेबल करने के बाद इस फोटो को सेंड करेंगे ऑटो डिस एप्लीकेशन के अंदर। सेंड करने के बाद आप लोग भी इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार का साइज रखना है। उसके बाद यहां से आप लोग अपने चेहरे पर स्मूथिंग करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी स्मूथिंग कर लेते हैं। देखिए कितना इमेजिंग देखने को मिल रहा है ये फोटो जहाँ स्मूथिंग किए। उसके बाद इस फोटो को सेव कर लेना है। सेव यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद ये वाला बैकग्राउंड को सेंड करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके बाद आप लोग के बीच इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद एड फोटो पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद वही वाला फ़ोटो हमको लेना जो अभी एडिटिंग किए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एड फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए कितना इमेजिंग देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आप लोग को कट आउट का। तो यहाँ पर कट आउट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने फेस पर और अपने शरीर पर इस प्रकार से रेड कलर से भर देंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको भर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ से राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड है बहुत सारा रह चुका है। तो यहाँ पर इरेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार अपने नॉर्मल हाथों से इसको इरेज करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको भी इरेज कर लेते हैं। सो गाइज, हम लोग बैकग्राउंड को रिमूव कर चुके हैं। उसके बाद अपने फोटो को इस प्रकार सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पर राइट के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद फिर हम लोग को ऐड फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सब पीएनजी आप लोग को ऐड करना है। ऐड करने के बाद अपने फ़ोटो में इस प्रकार से आप लोग को सेट करना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ से सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो टीका है उसको भी अपने माथे पर सेट कर लेंगे। चलिए इसको भी सेट कर लेते हैं। यहाँ से छोटा करके इसको भी सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद ये वाला भी जो एक पीएनजी है उसको भी यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी सेट करके बाद क्लिक करना है राइट के ऑप्शन पर। उसके बाद हम लोग को देखिए बिफोर एंड आफ्टर।
अब हम लोग यहाँ से रिटच के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने ओठों पर ओठलाई लगाना है। तो चलिए इसको जल्दी इसको भी इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद आप लोग यहाँ पर राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए